Turn right. हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आई हूँ बालाजी कॉलेज, जो बालाजी इंस्टीट्यूट है, BIIM इसका शॉर्ट फॉर्म है, अगर आपको पता हो। बहुत फेमस कॉलेज है MBA के लिए। तो मैं यहाँ आई हूँ और अभी यहाँ पे आने के बाद मैं बहुत डिफ़िकल्टी भी ढूंढने में, क्योंकि बहुत अंदर आके है, विजिटर्स कार्ड दिया है मिलने के लिए। सो देखते हैं, अगर हो सके तो आपको पूरा कॉलेज टूर भी कराती हूँ, अगर हो सके तो, मौका मिला तो। सो लेट्स गो। और रावत जो पुणे है, ताथौड़े नाम है यहाँ का, मुंबई बेंगलोर हाईवे है। सो यहाँ पे हम आए हैं, बहुत ही बड़ा कैंपस दिख रहा है अभी बाहर। यहाँ पे BIIB और BIIM थोड़ा पास पास में है, एक ही कैंपस में है। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, देखते हैं। हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाने को बोला है और बहुत अंदर है, समझ में भी नहीं आ रहा। सो अभी देखते हैं, चलते हैं। कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट बेस्ट कॉलेज है फॉर MBA। और यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जितनी भी कंपनीज आती है उसकी लिस्ट लगी हुई है, लिखा हुआ है सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट डे, और ये सारी कंपनीज़ के नेम हैं। और ये इसका बैकयार्ड है, बैकयार्ड से हम यहाँ से जाते हैं और पीछे का है। सो बहुत बड़ा दिख रहा है। और ये श्री बालाजी इंस्टीट्यूट है, मॉडर्न कॉलेज, जो BIIM इसको बोलते हैं। तो अभी जाने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है इसको ढूंढने में। इतना बड़ा कॉलेज, उतनी बड़ा स्ट्रगल। हाँ देखो, कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है, सिर्फ हम लोग ही है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने को हमें बोला है। कॉलेज है कि भूत बंगला? भूत बंगला जैसा दिख रहा था तुम्हें। देखना कहीं यहाँ पे एडमिशन लिया तो। आप दिखाइए कैंपस पीछे का, ये बैकयार्ड है और उल्टा आ गया। This is so big guys, और काफ़ी बड़ा कॉलेज है, और सुर भी वेरी एक्साइटेड और यहाँ पर आने के लिए। और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए ये कॉलेज ढूंढने में। और एक्चुअली हम लोग पुणे में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, बट हमें ही ढूंढने में ये दिक्कत आई, क्योंकि ये जो कॉलेज है पोदार स्कूल के पास से इसका रास्ता है। हाँ, पोदार इंटरनेशनल स्कूल के पास से इसकी गली है और फिर आपको एंटर होना है, क्योंकि इसके 3-4 गेट है काफ़ी बड़ा होने की वजह से इसलिए। बट गेट तक तो आप पहुंच जाते हैं, बट एंट्री वहां से नहीं होती है, जैसे कि हमारे साथ हो चुका है। पूरा जो कैंपस है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, तभी मैं आपको पूरा वीडियो ये बता रही हूँ, ताकि आपको पूरा कैंपस दिख जाए कि कैसा कैंपस है। इधर से रहेगा डिपार्टमेंट। पूछना पड़ेगा कौन है। सो बिग कॉलेज, और देखिए यहाँ आगे एकदम पूरा, एकदम वो देखो BIIM लिखा हुआ है वहाँ पे। आई थिंक वहाँ से है। नो नो, यहाँ से एंट्री है, फर्स्ट फ्लोर पे बोला। फर्स्ट फ्लोर पे बोला क्या? पूछना Thank you.
बालाजी यूनिवर्सिटी है वो आपको यूनिवर्सिटी का यहाँ पे जो डिग्री है वो मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे जो 11 लाख का आपको बताया है फॉर टू इयर्स, लाइक 5.541 ईयर, और ये आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं अगर आप चाहे तो। उसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो इसकी साइट है SBPU और बालाजी वाली, तो उस पर जाके आपको सारा पता चल जाएगा। और फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। एक कैंपस में 2-3 कॉलेज है, BIIM और BIIB और बालाजी, ये पीछे आप देख पा रहे हैं श्री बालाजी सोसाइटी। तो ये पूरी सोसाइटी में 3-4 कॉलेज बने हुए हैं और अभी भी काम कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, अभी भी बना नहीं है पूरा। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं जो स्टे के लिए, अभी भी 2-3 बच्चे गए यहाँ पे जो हॉस्टल में एडमिशन के लिए, क्योंकि जो लोग मुंबई और कहीं से आते हैं लाइक राजस्थान वगैरह और स्टेट से आते हैं तो उन्हें यहीं स्टे करना पड़ता है। बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और अकॉर्डिंग टू कॉलेज मुझे पैसे भी सही लगे, फीस भी सही थी और नाम इसका है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है ये। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप देख रहे हैं ऐसे कॉलेज के लिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी मेरा डिसाइड नहीं है, अभी मैं जाके 3-4 कॉलेज में और देखूँगी फिर पता सोचूँगी कि मुझे क्या करना है। सो बाय बाय। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अभी मैं सिम्बोसिस MIT में भी जाने वाली हूँ, सो गाइस स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। सो गाइस ये देखिए यहाँ का कैंपस बहुत ही अच्छा है फॉर टू इयर्स, तो ये शानदार है यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सच बता रही हूँ मेरे तो घर के एकदम ही पास में है ये, अब मतलब 15-20 मिनट की दूरी पे रहेगा ये, इतना भी नहीं होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं अभी और सेलेक्ट करती हूँ, शॉर्ट लिस्टेड में मैंने एक DY पाटिल और ये वाला कॉलेज अभी शॉर्ट लिस्ट किया है फॉर मी, तो अभी आगे पता चलता है। और इसके लिए आपको केप राउंड की नीड नहीं है, केप राउंड के बिना आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे इसका जो नाम है उन्होंने बहुत बताया मुझे कि केप राउंड में नाम नहीं आएगा, सो आप चाहे तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं।